रात को हम सोते क्यों है? मैंने पूछा था एक सवाल, रात को सोते क्यों है? बॉडी को, तो किस किस अंग को रेस्ट देना होता है रात को? सारी बॉडी को देना होता है। हम लोग रात को 9 बजे खाना खाते हैं अंदाजन, अभी आपको हमने 7 बजे खिला दिया आज। वैसे आप रोज कितने बजे खाते हो? 9 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी कभार 11 बजे, शादी में जाके 12 बजे, ऐसे भी करते हो ना। तो अगर हम अंदाजा एक 9 बजे का एग्जांपल लेते हैं, 9 बजे हम खाना खाते हैं, तो 9 बजे खाना खाया मेरे मुंह ने, 9 बजे किसने खाया? मुंह ने। अमाशय में गया वो लगभग 9:10 पे, और रात को लगभग 2 घंटे वो कहां रहा? अमाशय में। 9 से 11 कहां रहा वो, और फिर 11 से लेके 3 बजे तक कहां रहा वो? डुडोनियम और छोटी आंत में, यानी कि वो रात भर यहां रहा बेचारा। फिर 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कहां रहा वो? बड़ी आंत में। और सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक वो कहां रहा? मलाशय में। तो पूरी रात आपके अंदर के सिस्टम को रेस्ट मिला, जबकि रात किस लिए थी? सोने के लिए। क्यों सोते हैं हम? क्योंकि दिन भर जब हम काम करते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स में टूट फूट होती है, हमारी बॉडी में मरम्मत होती है, रिपेयरिंग, पूरा दिन टूट फूट चलती है। जैसे आप काम करते हो ना, तो मसल्स टूटती हैं, हमारे सेल्स टूटते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सेल टूटते हैं, हमारी बॉडी में कई तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होते हैं, हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता है। तो वेस्ट बॉडी को निकालना है, तो पॉटी के रास्ते से, स्टूल के रास्ते से हम पॉटी कर ली, पानी हमने यूरिन के रास्ते निकाल दिया, पसीना निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ माइक्रो केमिकल, कुछ माइक्रो अंदर न्यूट्रिशन जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ, नहीं डाइजेस्ट हुआ, या कोई टॉक्सिन, वो कहीं ना कहीं बॉडी में रुक गया, तो बॉडी के पास उसको बर्न करना या निकालने के अलावा कोई तरीका नहीं होता। तो बॉडी पहले तो निकालने की कोशिश करती है कई साल तक, सुसु में, पॉटी में, पसीने में। आप देखो सुबह सुबह कई बार आंखों के यहाँ पे कचरा आया होता है, तो बॉडी आंखों से निकालती है, कई बार कानों में से गंद निकलता है हमारे, कई बार नाक बहता है हमारा तो नाक के थ्रू गंद निकलता है। तो हमारी बॉडी कई बार कोई फुंसी फोड़ा निकालती है आपको, कई बार बॉडी में ना फेस पे फुंसी आ गई और फुंसी आप फाड़ देते तो क्या निकलता है? पस निकलती है। कई बार आपकी पीठ पे कोई दाना हो जाता है, कई बार पैर पे दाना हो जाता है, फोड़े हो जाते हैं कई बार, वो क्या होता है? बेसिकली बॉडी अपना गंद निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही फुंसी निकलती है, फोड़ा निकलता है, आप क्या करते हो? आप एंटीबायोटिक खा लेते हो, या कोई वैक्सीनेशन करवा लेते हो, या कोई ऐसी दवाई खा लेते हो, बॉडी फुंसी फोड़ा नहीं निकालती, वो अंदर ही रख लेती है। क्योंकि अब आपने बॉडी को मना किया, तू मत निकाल, तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू निकाल मत, ये गंदा लगता है, मेरे चेहरे पे आता है ये। आप खाना मत बंद करना, गलत निकलना बंद करना, फिर होता क्या है, थोड़े दिन बाद आपको ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, कहीं पेट में कोई सिस्ट हो जाती है, तो किडनी में पथरी हो जाती है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, लंग्स में कोई पैच बन जाता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई रेक्टम में कुछ हो जाता है, बवासीर, फिशर, फिस्टूला, कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है। क्योंकि जब आप बॉडी से पंगा लेते हो, बर्दी बर्दे में क्या करेगी? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको समझ आएगा। मान लेते हैं आप एक शादी में गए, 8:30 बजे पहुंच गए, तो 8:30 आपने सूप पी लिया, 9:45 बजे आपने कोई स्नैक्स ले लिए, 9 बजे आपने कोई चलता फिरता बर्फी का टुकड़ा उठा लिया या कोई मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाल लिया, 9:15 बजे आपने फ्रूट खा लिए, 9:30 बजे आपने कोई चिल्ला खा लिया, 9:45 चाउमीन खा ली, 10 बजे कोई मलाई कोफ्ता और सब्जी ले ली, फिर 10:15 बजे आपने कॉफी पी ली, 10:30 बजे आपने कोई आइसक्रीम खा ली, 11:45 बजे तिल्ले वाली कुल्फी खाई, फिर 11 बजे आपने फिर एक कॉफी पी ली, 11:15 बजे आपने पान खा लिया, 11:30 भाई साहब का मन करा एक कॉफी पी रहा हूं आपके साथ, मेरे साथ कंपनी कर दे, एक कॉफी फिर और पी लिया आपने, ऐसे ही करते हो शादी में। बाई चांस आपको 12 बजे किसी ने बताया कि तूने वो नहीं सब्जी तो टेस्ट ही नहीं करी, वो तो लाइफ में पहली बार खाई मैंने, तो वो भी टेस्ट कर लेते हो फिर आप। तो 8:30 बजे से आप खाने लगे थे, 12 बजे तक आपने खाया और आपने यहां तक भर लिया, क्योंकि अभी नियत भुक्की आपकी, लेकिन जगह नहीं है अभी नियत। कई बार हमारी नियत भुक्की होती है कि मन कर रहा है खाने का, लेकिन क्या करूं, अंदर जा नहीं रहा। तो आपने आगे खा पी के रात को घर पे आके आप सो गए, सुबह उठ के 6 बजे आपको लग गई पॉटियां, तो पॉटियां लगाई बॉडी ने, आप चले गए 100 करोड़, आपने फोन कर लिया बड़े डॉक्टर को और चले भी गए उसके पास हॉस्पिटल में, उसके वो क्या कहता है, क्या हो गया आपको? लूज मोशन लग गए, डायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, यही कुछ बोलता है वो। फिर क्या बोलता है वो, गोली ले लो रोकने की। क्यों? हीरे मोती निकल रहे थे, रोकना क्यों था बताओ? रोकने की जरूरत थी? बॉडी क्या निकाल रही थी और डाला किसने था?
और बॉडी निकाल रही है तो उसको रोक रहे हो आप। तो अगर उसी टाइम आप चले आते किसी सो कॉल्ड हमारे डॉक्टर के पास, आयुर्वेद वालों के पास, होम्योपैथी वालों के पास, ये क्या बोलते हैं, क्या हो गया, ये क्या कहते हैं आपको, ये कोई फूड पॉइजनिंग नहीं बोलते, कोई इन्फेक्शन नहीं बोलते, कोई पॉइजनिंग नहीं बोलते, कोई कोई डायरिया नहीं बोलते, ये बोलते हैं बॉडी सियानी है, रात को मजे किए हैं, निकल रहा है निकलने दो। अब आप बताओ सिचुएशन एक ही थी, पोटियां लगी थी या उल्टियां लगी थी, इन्होंने क्या बोला, इन्फेक्शन, डायरिया, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, इन्होंने क्या बोला, बॉडी सियानी है जो कर रही है उसको करने दो। कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए था आपको, लेकिन जाते किसके पास है, हम बचपन से लेके आज तक गए किसके पास, इधर तो भुगतान कौन करेगा। आपने बॉडी के साथ पंगे लिए, अच्छा बॉडी निकाल रही थी, आपने ग्लूकोज लगवा लिया, स्लाइन वाटर चढ़वा लिया, तो बॉडी के अगेंस्ट काम किया ना आपने, आपने बॉडी की इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया, बॉडी की इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब किया, तो फिर बॉडी बदले में क्या करेगी, बॉडी अपना कोई नया रास्ता ढूंढेगी,